من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أحمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا حاضرين جماعة ہر قسم کی تسبیحات تحمیدات تکبیرات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبہ ہے جو ہم سب کا اکیلا تنے تنہا خالق مالک اور رازق ہے بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر بالخصوص خاتم النبیین رحمت للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین حاضرین جمعہ گزشتہ جمعہ اور اس سے پہلے والے جمعہ میں خونی رشتوں کے تعلق سے جن میں بیٹی اور بہن کا رشتہ ایک عظیم رشتہ ہے چند باتیں خونی رشتوں کے تعلق سے کی گئی تھی ایک رشتہ جو کبھی کبھار خونی رشتے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور سماج اور معاشرے میں کبھی کبھار خونی رشتے سے بھی زیادہ اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جس رشتے کو ہم اور آپ دوستی کا رشتہ کہتے ہیں دوستی کا یہ رشتہ کتنا اہم ہے اور کتنی اس کی ضرورت ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے جہاں بازو کی حیثیت رکھتا ہے وہی دوستی کا یہ رشتہ ایک دوست دوسرے دوست کے لیے دل کی حیثیت رکھتا ہے اس دل کے ساتھ وہ اپنے راز شیئر کرتا ہے اس دل کے ساتھ وہ اپنی خوشی اور غمی کو بانٹتا ہوا نظر آتا ہے دوست کس قدر اہم ہے دوست
उस छतरी की तरह है कि जो छतरी इंसान को बारिश से बचाती है, जो छतरी इंसान को तेज धूप से बचाती है। इसी तरीके से एक दोस्त है, जब मुश्किलात की बारिश होती है, मसाइब की बारिश होती है, तो ये दोस्त एक छतरी बन जाता है और मसाइब और मुश्किलात से उस दोस्त के हिफाजत करता है। इसीलिए कहने वाले ने क्या खूब कहा है कि दोस्ती हमेशा इंसान की ज़रूरत है। खुशियों से ज़्यादा दोस्त की ज़रूरत गमों में पड़ा करती है। जब इंसान के पास गम आ जाए, इंसान टेंशन में घिर जाए, तो एक इंसान को ज़रूरत पड़ती है कि उसके पास एक कंधा हो, जिस कंधे पर हाथ रख कर वो अपने बोझ को हल्का कर सके, थोड़ा सा रो सके और रो करके अपने बोझ को हल्का कर सके। एक कंधे की ज़रूरत होती है। जब एक इंसान मुसीबत में घिर जाता है तो जहाँ वो आंसू बहाता है, उस दोस्त के कंधे पर हाथ रख कर वो सहारा बनने की कोशिश करता है, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। गर्ज़ ये कि इंसानी ज़िंदगी में दोस्त की बड़ी अहमियत है, दोस्त का बड़ा किरदार है और दोस्ती की बड़ी ज़रूरत है। इसी के मद्देनज़र दीन इस्लाम ने भी, जो एक फितरी दीन है, इस फितरत का ख्याल रखा है। दीन इस्लाम में भी दोस्ती की अहमियत है। दीन इस्लाम में भी दोस्ती की ज़रूरत को बतलाया गया है कि दोस्त का किरदार कितना बुलंद किरदार होता है, दोस्ती की क्या अहमियत है। क़ुरान की आयात का जब हम मुताला करते हैं, अहादीस पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि दोस्त की कितनी ज़रूरत है और दोस्ती का मकाम कितना बुलंद है। मैदान महशर में जब जहन्नमियों के हक़ में जहन्नम का फ़ैसला कर दिया जाएगा, तो वहाँ जहन्नमी हसरत से कहेंगे, अफसोस से ये कहेंगे, फ़मा लना मिन शाफ़ईन वला सदीक़िन हमीम, कि हमारे पास तो कोई सिफारिश करने वाला भी नहीं, वला सदीक़िन हमीम, और ना ही हमारे पास कोई जिगरी दोस्त है जो आज मुसीबतों में सहारा बन सके, हमारी मुसीबत को टालने के लिए छतरी का किरदार अदा कर सके। आप अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया में वही दोस्त जो मुसीबतों में काम आता है, गमों के बोझ को हल्का करता है, एक जहन्नमी उस दोस्त के ताल्लुक से आखिरत में और मैदान महशर में अफसोस कर रहा होगा, वला सदीक़िन हमीम, कि आज तो हमारे पास कोई जिगरी दोस्त भी नहीं है। किस कदर दोस्त की अहमियत है और दोस्त की ज़रूरत है कि इंसान सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में भी दोस्तों का मोहताज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी फितरत की जानिब इशारा किया है कि इंसान की फितरत में अल्लाह ने रख दिया है कि वो मेल मिलाप के साथ रहना चाहता है, वो दोस्तों के साथ रहना चाहता है, ये इंसान की फितरत है। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी फितरत की जानिब इशारा करते हैं, अल्मुमिनु लजी युखालितु अन्नास व यसबिरु अला अदाहुम अअज़म अजरम मिन अल्मुमिनि लजी ला युखालितु अन्नास व ला यकुरु व ला यसबिरु अला अदाहुम, कि वो मोमिन जो दोस्तों के साथ रहता है, दुनिया वालों के साथ रहता है, पड़ोसियों के साथ रहता है और उनकी तकलीफ़ों पर सब्र करता है, ये अजर व सवाब के एतबार से उस मोमिन से बेहतर है जो अकेला तने तनहा रहता है, लोगों के साथ मेल मिलाप नहीं रखता, दोस्तों के साथ बेहतर ताल्लुकात नहीं रखता और ना ही उनकी तकलीफ़ों पर सब्र करता है। दोनों मोमिन हैं, वो भी मोमिन है जो अकेला रहता है, तने तनहा रहता है, लोगों के साथ ताल्लुकात नहीं रखता, लेकिन वो मोमिन अजर के एतबार से रब्बुल आलमीन की निगाह में कमतर है। एक जानिब दूसरा मोमिन है जो लोगों के साथ रहता है, लोगों के साथ रिश्ते रखता है, लोगों के साथ ताल्लुकात कायम करता है और जब साथ रहते हैं उनकी मुसीबतों पर तकलीफ़ों पर सब्र करता है,
अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ अजर व सवाब के एतबार से ऐसे मोमिन का बड़ा दर्जा है। ऐसा मोमिन अजर व सवाब के एतबार से बड़े खैर वाला मोमिन है। तो इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की जानिब इशारा किया है कि दोस्तों के साथ उठना बैठना, ताल्लुकात कायम करना एक मोमिन के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। दोस्ती की अहमियत और दोस्ती के मकाम को जानना हो तो सिर्फ एक इंसान सहाबे किराम के मकाम को पहचाने। सहाबी रसूल जितने सहाबा हैं सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त हैं। इसीलिए यारे गार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा जाता है, दुनिया में भी हमेशा आपके साथ रहते थे, जहाँ चलते थे, उठते थे, बैठते थे, सफ़र में, हज़र में, गर्ज़ ये कि हर मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा करते थे। और दुनिया से जाने के बाद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो मकाम दिया है जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है, उसके एक पहलू में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र है। ये एक सहाबी और एक दोस्त का मकाम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोस्त की अहमियत और दोस्त की ज़रूरत के तौर पर सहाबे किराम के मकाम को बयान फरमाया है। गर्ज़ ये कि इंसानी ज़िंदगी में एक दोस्त की सख्त ज़रूरत है। तो क्या एक इंसान जिसको चाहे दोस्त बना सकता है? इसलिए कि यहाँ अच्छे भी हैं तो यहाँ बुरे भी हैं, यहाँ नेक और साले भी हैं तो यहाँ बद भी रहते हैं। शरीयत मुतहरा ने क्या हमें रहनुमाई के तौर पर चंद तालीमात ये दी है कि दोस्त किसे बनाया जाए, दोस्ती का मेयार क्या हो, जिनके साथ आप उड़ते बैठते हो, चलते फिरते हो, गमों को शेयर करते हो, किस तरह के दोस्त होने चाहिए, दोस्ती का मेयार क्या है। इसलिए कि शरीयत मुतहरा ने इंसान को आज़ाद नहीं छोड़ा कि जैसे चाहे उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारे, बल्कि एक हदीस में दोस्ती का इंतखाब करते वक्त सही तरीके से इस्लामी तालीमात का ख्याल रखना वाजिब और ज़रूरी करार दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अलमरु अला दीन खलील, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। दोस्त के अफकार कैसे हैं, दोस्त का किरदार कैसा है, दोस्त के अखलाक कैसे हैं, दोस्त का मनहज क्या है, दोस्त को देख करके ये पहचाना जाता है, ये मालूम किया जाता है कि इस इंसान का किरदार कैसा है, इस इंसान के अखलाक कैसे हैं, इस इंसान का ईमानी लेवल क्या है, इस इंसान के पास तक़वा है या नहीं है। इसलिए आपने आगे फरमाया, फलयंदुर अहदुकुम मन युखालिल, लिहाजा ज़रूरी है तुम में से हर एक इंसान ये जांच पड़ताल कर ले, ये देखे, मन युखालिल किसे अपना दोस्त बना रहा है, किसके साथ वो उठता बैठता है। लिहाजा वाजिब और ज़रूरी है एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए कि दोस्त बनाते वक्त, दोस्ती का किरदार अपनाते वक्त इस्लामी तालीमात का ख्याल रखे। इसलिए कि नेक दोस्त, अच्छा दोस्त इंसानी ज़िंदगी में कितनी अहमियत का हामिल है। नेक दोस्तों का मकाम क्या है, सलफ सालहीन के एक दो जुमले में आपके सामने रखूँगा कि नेक दोस्त कितना कीमती दोस्त हुआ करता है, और उसके बाद नेक दोस्ती के फ़ायदे दुनिया और आखिरत में हमें क्या मिलने वाले हैं, चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, सहाबी रसूल हैं कि अगर दुनिया में तीन चीज़ें ना होती तो मुझे कब्र में जाना बड़ा महबूब था कि मैं दुनिया के ऊपर ना होता बल्कि ज़मीन के नीचे होता। तीन चीज़ों में से एक चीज़ नेक दोस्त का मिल जाना है। इसलिए कि इस दुनिया में नेक लोग रहते हैं, नेकों की सोहबत नसीब हो जाती है, सालहीन के साथ उठते और बैठते हैं, लिहाजा इसलिए मुझे महबूब है कि मैं दुनिया में रहूं, नेक लोगों के साथ रहूं। नेक लोगों के ताल्लुक से एक और मालिक इब्ने दीनार रहमहुल्ला का कौल मैं आपके सामने नकल करता हूं। वो फरमाते हैं कि तेरा नेक लोगों के साथ रहकर पत्थरों को ढोना, पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना,
ये उन दोस्तों से बेहतर है, ये उन लोगों से बेहतर है जो फाजिर हैं, जो फासिक हैं और जिनके साथ तू खजूरों का हलवा खाया करता है। यानी अगर उन लोगों के साथ दुनिया में ऐश और आराम से ज़िंदगी गुजारता है, दुनिया की लज्जतों का तुझे एहसास होता है और वो तुझे खिलाते और पिलाते हैं, लेकिन फाजिर है, फासिक है, उन दोस्तों से, उन लोगों से बेहतर वो दोस्त हैं, वो लोग हैं जिनके साथ तू मेहनत और मजदूरी करता है, एक जगह से भारी भरकम पत्थरों को उठाकर दूसरी जगह मुंतकिल करता है, रखता है, लेकिन वो लोग नेक हैं, वो दोस्त अच्छे हैं, तो तुम्हारे लिए ये कीमती सरमाया है। तो नेक लोगों का ये मकाम है, नेक दोस्तों का ये मकाम है कि सहाबाए किराम और सलफ सालहीन नेक लोगों से ज़्यादा दोस्तियाँ लगाया करते थे। नेक कौन है, अच्छे दोस्त कौन है, उनकी सिफात क्या है? वक्त कम है इसलिए मुख्तसरन मैं ये बतलाऊंगा कि नेक लोगों की खूबियाँ क्या होती हैं, नेक दोस्तों की सिफात क्या होती हैं, और हम दूसरों के लिए अगर अच्छे दोस्त का किरदार अपनाना चाहते हैं, अच्छा दोस्त बनना चाहते हैं, तो इन सिफात को अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। आज हर एक दोस्त को शिकायत है कि मेरे दोस्त अच्छे नहीं हैं, उनका किरदार अच्छा नहीं है। ज़रूरत है दूसरों को देखने के बजाय हम दूसरों के लिए खुद अच्छे दोस्त बन जाए, बेहतर दोस्त बन जाए, नेक दोस्त बन जाए। जब हम सब दूसरों के लिए अच्छे बनेंगे, वो भी हमारे लिए एक अच्छा दोस्त बनता हुआ नज़र आएगा। नेक दोस्ती का पैमाना, पहला पैमाना ये है कि दोस्ती सिर्फ ये मोमिन का हक है। मोमिन के अलावा किसी और को दोस्त बनाना शरीयत मुतहरा में जायज़ नहीं है। यहाँ बहुत सारे भाई ये समझते हैं गैर मुस्लिमों के साथ उठना बैठना, लेन देन करना, हुस्न मुआशरत के साथ पेश आने से क्या इस्लाम रोकता है? दोनों में बड़ा फ़र्क है। दूसरों के साथ लेन देन का मामला करना, दूसरों के साथ पड़ोस में रहना या किसी एतबार से, दुनियावी एतबार से हुस्न सलूक करना ये अलग है, लेकिन दोस्ती निभाना, दोस्ती करना ये दिल का मामला है। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ अहले ईमान का पाया जाना ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुसाहिब इल्ला मुमिनन, तो किसी और को साथी ना बना इल्ला मुमिनन, सिवाय मोमिन के। तो पहली शर्त ये है कि हम जिससे दोस्तियाँ लगाते हैं, दोस्ती का किरदार अदा करते हैं, उसमें पहली और बुनियादी शर्त होनी चाहिए कि वो मोमिन हो, उसके पास मोमिनाना शान हो, मोमिनाना किरदार हो, जाहिर और बातिन के एतबार से उसके पास ईमान पाया जाता हो। दूसरी और बुनियादी सिफत ये है कि मोमिन होने के साथ साथ सच्चा हो, ज़बान के एतबार से सच्चा हो, किरदार के एतबार से सच्चा हो, ईमानी लेवल के एतबार से सच्चा हो, तकवा और तहारत के एतबार से सच्चा हो, जाहिर भी सच्चा हो, बातिन भी सच्चा हो। ऐसे लोगों के साथ रहने का हुक्म शरीयत देती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ए ईमान वालों अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा इख्तियार करो, वकूनू मअस्सादिकीन और सच्चे लोगों के साथ रहो। यानी तुम्हारी दोस्तियाँ ऐसे लोगों के साथ हो जो हमेशा सच बोलते हों, घर में, कारोबार में, तिजारत के मैदान में, लेन देन में, मसाजिद में, हर जगह सच बोलने वाले हों। ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाओ, और ख़ुद अपने आप को अगर सच्चा दोस्त बनाना चाहते हैं तो ईमान के साथ साथ सच्चाई के पैकर बन जाएं। इसी तरीके से सच्चे दोस्त की सिफत में से बेहतरीन सिफत यह है कि दोस्त आईने का किरदार अदा करे। जिस आईने में हम सुबह शाम अपनी शक्ल देख करके अपने ऐबों को संवारते हैं, अपने जाहिर को संवारने की कोशिश करते हैं, आईने की जो खूबियां हैं वो खूबियां नेक दोस्त में पाई जानी अजहद ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मोमिनु मिरातुल मोमिन, मोमिन मोमिन का आईना हुआ करता है। आईने की खूबियों में से कई खूबियां हैं जिन खूबियों को अपनाने की ज़रूरत है, तब जाकर के हम किसी इंसान के लिए नेक दोस्त का किरदार अदा करते हैं। आईना हमेशा सच बोलता है, आईना हमेशा खैर ख्वाही का मुजाहिरा करता है, आईना हमेशा अदल व इंसाफ का पैकर है। अगर दो गलतियां हैं तो दो ही गलतियों की जानिब रहनुमाई करता है,
और आईना हमेशा सच्चे दोस्त का किरदार अदा करता है। आईने के सामने जब आप आते हैं तो आईना ये बतलाता है कि मेरे भाई आपके चेहरे पर ये सुराख है, आपके चेहरे पर ये दाग है, इसकी इस्लाह की ज़रूरत है, ये खैरख्वाही है। आईना कभी भी ऐबों को उछालता नहीं है, आईना कभी भी रुसवाई का ज़रिया नहीं बनता है। अगर आप दोस्त के लिए नेक दोस्त बनना चाहते हैं, अच्छा दोस्त बनना चाहते हैं, मुखलिस दोस्त बनना चाहते हैं, तो ज़रूरत है कि आप आईने की तरह बिल्कुल साफ़ और शफाफ रहें। आप आईने की तरह आपका दिल बिल्कुल ज़ाहिर और बाहिर से साफ रहे। आईने की तरह आपके दिल में कीना और कपट ना हो। आईने की तरह आप उसकी खैरख्वाही का जज्बा रखते हो। जिस तरीके से सहाबे किराम एक दूसरे दोस्त के ताल्लुक से खैरख्वाही का जज्बा रखते थे, सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों साथी थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारगी का रिश्ता कायम किया था। सलमान फारसी घर में तशरीफ लाते हैं और देखते हैं, ये वाकया पर्दे के वाजिब होने से पहले का है, वो देखते हैं आते हैं हज़रत अबू दर्दा घर पर नहीं है, उनकी बीवी घर पर मौजूद है लेकिन बिल्कुल पुराने कपड़े पहने हुई है, और दरियाफ्त करती है कि तुम्हारी ये हालत क्यों बनी हुई है। तो कहा, तुम्हारे जो साथी हैं दोस्त हैं उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं, पूरे दिन रोज़ा रखते हैं, रात को क़यामुल लैल करते हैं। किस तरीके से खैरख्वाही का जज्बा, सुन्नत पर लाने का जज्बा, दोस्त को दोस्त के ताल्लुक से रहनुमाई का जज्बा। सलमान फारसी जब हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, खाना पेश करते हैं और सलमान फारसी से कहते हैं खाना खाइए, वो कहते हैं जब तक आप ना खाएं मैं खाने के करीब ना जाऊंगा, कहते मैं रोज़े से हूँ, लेकिन दोस्त हैं, नफली रोज़ा था, लिहाजा दोस्त की मोहब्बत में रोज़ा तोड़ते हैं और उनके साथ खाना खाते हैं। रात होती है, इबादत के लिए तहज्जुद के लिए जाने की कोशिश करते हैं, सलमान फारसी उन्हें समझाते हैं कभी नींद लेने का हक है, कुछ सो जाए आराम करे। सुबह होने के बाद उन्होंने अपने दोस्त को नसीहत की, हज़रत अबू दर्दा को ये समझाया अल्लाह का भी हक है, जिस्म का भी हक है और अहलो अयाल का भी हक है, लिहाजा हर एक के हक को अदा करो, यही एक मोमिन की शान है। तो सलमान फारसी ने किस तरीके से समझाया, और हमारा किरदार आज दोस्तों के ताल्लुक से इंतहाई घटिया हो चुका है। दोस्तों के लिए हम मिसाली दोस्त नहीं हैं, दोस्तों के लिए आईने की मिसाल आज हमारे दरमियान नहीं है। इसी तरीके से सच्चे दोस्त की निशानियों में से एक निशानी ये है कि दोस्त हमेशा बिला किसी इवज के, बिला किसी गर्ज के हमेशा नफ़ा बख्श होता है। दुनियावी एतबार से नफ़ा देने वाला, आखिरत के एतबार से नफ़ा देने वाला, इसलिए कि खैरुन नास अनफअहुम लिन्नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों के लिए भलाई करने वाला, नफ़ा पहुंचाने वाला जो सच्चा दोस्त होता है, वो मफाद परस्त नहीं होता कि जब तक मिलता रहे तो दोस्त है और जिस दिन देखे कि फलां के साथ मामला बिगड़ गया है, अब उसका बैंक बैलेंस ख़त्म हो गया है, उसके पास कुछ नहीं है, तो सच्चा दोस्त नहीं होता, वो नंबर ही डिलीट कर देता है कि मेरा कौन सा दोस्त। तो नेक दोस्त हमेशा नफ़ा बख्श होता है। नेक दोस्त की खसूसियत में से एक खसूसियत ये है कि नेक दोस्त सब्र करने वाला होता है, नेक दोस्त बर्दाश्त करने वाला होता है। ये नेक लोगों की खूबियाँ हैं, अपने अंदर इन सिफात को पैदा कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम दिया गया वसबीर, आप सब्र से काम लीजिए, आप लोगों के साथ रहेंगे जो अल्लाह वाले हैं, जो सुबह व शाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते रहते हैं, उनके साथ जब आप रहेंगे तकलीफ़ें आएंगे, बर्दाश्त करने का मादा पैदा करें, तब जा कर के एक मोमिन हकीकी मानों में एक बेहतरीन दोस्त बन सकता है, सच्चा दोस्त बन सकता है, मुखलिस दोस्त बन सकता है। और जिसके पास बर्दाश्त का मादा ना हो, सब्र करने की कुव्वत ना हो, दुनिया में कभी मुखलिस दोस्त बन ही नहीं सकता, दुनिया में सच्चा दोस्त बन ही नहीं सकता। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ फरमाया कि जो लोगों के साथ रहता है, उनकी तकलीफ़ों पर सब्र करता है, वही अजर व सवाब के एतबार से बेहतरीन मोमिन है। इसी तरीके से बेहतरीन दोस्त के औसाफ में से एक सिफत ये है, हमेशा मुसबत सोच रखने वाले, पॉजिटिव सोच रखने वाले अच्छे दोस्त बन सकते हैं। हमारी सोच अच्छी हो, शक व शुबा करने वाले, सुए जन रखने वाले, बदगुमानी का शिकार होने वाले,
हमेशा खौफ में मुब्तला करने वाले, हमेशा लोगों को डराने वाले कभी भी सच्चा दोस्त नहीं बन सकते, कभी भी मुखलिस दोस्त बन ही नहीं सकते हैं। इसलिए हम और आप अगर अच्छा दोस्त का किरदार अदा करना चाहते हैं तो ज़रूरत है कि जिन दोस्तों के साथ हम रहते हैं तो वहाँ देखें कि उसकी सोच क्या है। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मरउ अला दीन खलील ही, दोस्त अपने दोस्त के दीन पर होता है, उसके अफकार क्या हैं, उसकी सोच क्या है। अगर ऐसे दोस्त के साथ रहते हैं जो डरपोक है, जो शक्की मिजाज है, कुछ दिनों के बाद ये सिफात आपके अंदर भी सरायत कर जाएंगी और धीरे धीरे आप भी डरपोक बन जाएंगे, आप भी शक्की मिजाज बन जाएंगे, आपकी सोच हमेशा निगेटिव बन जाएगी, जिससे शरीयत मुतहरा ने हमेशा रोका है। इसी तरीके से सच्चे दोस्त वो हैं, मुखलिस दोस्त वो हैं, बेहतरीन खूबियों के मालिक वो दोस्त हैं जो लायानी काम से अपने आप को हमेशा दूर रखते हैं। मिन हुस्न इस्लामिल मरई तरकुहु मा लायानी, बेहतरीन मुसलमान होने की निशानी यह है कि जिससे कोई फ़ायदा नहीं, ना दुनिया का फ़ायदा है ना दीन का फ़ायदा है, ऐसे लोग ऐसे कामों से अपने दामन को पाक रखते हैं, दूर रहते हैं, लायानी और गपशप की महफिलों में शरीक नहीं होते, लायानी और बेकार और बेहुदा कामों के करीब नहीं जाते हैं। ये सच्चे दोस्त की निशानी है कि वो खुद भी ऐसे कामों से दूर रहता है और अपने दोस्तों को भी गलत कामों से दूर रखने की कोशिश करता है। इसी तरीके से एक बेहतरीन निशानी सच्चे दोस्त के लिए ईसार का जज्बा पाया जाए, कुर्बानी का जज्बा आपके अंदर हो, तो हम और आप एक सच्चे दोस्त का किरदार अदा कर सकते हैं। जिस दोस्त के पास कुर्बानी देने का जज्बा नहीं है, जो दोस्त सिर्फ अपने लिए जीता है, दूसरों के फ़ायदे के लिए कुछ नहीं कर सकता है, वो चंद दिन दोस्ती निभा सकता है, लेकिन हकीकी मानों में ऐसा इंसान मुखलिस दोस्त बनने लायक नहीं है जो सिर्फ अपना सोचता है। जबकि सच्चे दोस्त अपने बजाय, अपनी सोच के बजाय, अपने ख्यालात के बजाय, अपने फ़ायदे के बजाय दोस्त को तरजीह देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा भी मुहद्दिसीन ने और किताब लिखने वालों ने कई अहम सिफात का तस्किरा फरमाया कि अगर एक सच्चा दोस्त आप ढूंढते हैं तो उनके अंदर क्या क्या सिफात और क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। मुख्तसरन नेक दोस्त के फ़ायदे क्या मिलते हैं, जब एक इंसान आपको नेक मिल जाता है, नेक दोस्त मिल जाता है, तो मुख्तसरन चंद मिनट में आपके सामने रखूँ नेक दोस्ती के फ़ायदे क्या हैं। जब एक इंसान नेक होता है तो किसी न किसी एतबार से उसके दोस्त को फ़ायदा मिलता रहता है। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मरउ अला दीन खलील है, एक रिवायत में आपने फरमाया नेक दोस्त की मिसाल ऐसे ही है जैसे आप इत्र बेचने वाले के पास बैठते हैं, वो आपका दोस्त है तो आपको हदीये में इत्र देगा, इत्र से आपको फ़ायदा होगा। अगर वो आपको हदीये में इत्र नहीं देता है, जब तक आप उसके पास बैठते हैं किसी न किसी तरीके से खुशबू मिलती रहेगी, दिल को राहत मिलती रहेगी। इसी तरीके से नेक दोस्त है, जब तक आप उसके पास बैठे हैं वो आपके इल्म में इजाफा करता रहेगा, आपके अमल को संवारने की कोशिश करता रहेगा, और अगर इतना भी ना हो तो कम से कम उसे ये फ़ायदा मिलेगा कि नेक दोस्तों की मौजूदगी में इंसान उनकी इज्जत की वजह से, उनके मकाम की वजह से अपने आप को गुनाहों से दूर रखने की हद तक इम्कान कोशिश करेगा। तो ये नेक दोस्ती का फ़ायदा है। असहाबे कहब के कुत्ते का जिक्र कुरान में किया गया है, मुफस्सरीन फरमाते हैं, इमाम कुर्तुबी रहमहुल्ला, इसी तरीके से इमाम रागिब अस्फहानी रहमहुल्ला, कि आप अंदाज़ा लगाएं नेक लोगों की सोहबत में जो कुत्ता रहता था उसका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बयान फरमाया। तो अगर एक इंसान नेक लोगों के साथ रहता है तो कितना ज़्यादा खैर कमाने वाला, भलाई कमाने वाला है, उसका फ़ायदा होने वाला है। नेक लोगों की मोहब्बत, नेक लोगों से दोस्ती का एक फ़ायदा ये है, अल्लाह की मोहब्बत उस इंसान के लिए वाजिब हो जाती है जो अल्लाह के लिए किसी से दोस्तियाँ लगाते हैं, ईमान के लिए मनहज की वजह से किसी से दोस्ती लगाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत वाजिब हो जाती है। ऐसा इंसान जो नेक लोगों की सोहबत में रहता है, ईमान की हलावत उसे नसीब हो जाती है, ईमान की चाशनी मिलने लग जाती है। अहादीस में ये तमाम चीज़ें नोट की गई है, लेकिन वक्त नहीं है कि उनका हवाला मैं आपके सामने रखूं। इसी तरीके से नेक लोगों की सोहबत का एक फ़ायदा ये होता है कि जब
कोई साया नहीं होगा जो अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन सात हस्तियों को, जिन सात शख्सियात को अल्लाह अर्श के साए तले जमा करेगा, उनमें वो लोग भी होंगे जो अल्लाह के लिए दुनिया में मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के लिए दुनिया में दोस्तियाँ लगाते हैं। नेक दोस्ती का एक फ़ायदा ये है कि ये दुनिया में काम नहीं बल्कि आखिरत में भी काम आती है, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मरु मा मन अहबबता, इंसान उन्हीं लोगों के साथ होगा जिससे वो मेल मोहब्बत रखता है, जिसके साथ वो मोहब्बत रखता है कल क़यामत के दिन हश्र व नश्र उन्हीं लोगों के साथ होने वाला है। इसीलिए सलफ सालहीन नेक लोगों से दोस्तियाँ लगाया करते थे, बल्कि नेक लोग जन्नत में जाने के बाद भी सिफारिश का हक रखते हैं और सिफारिश करने वाले हैं। सही हदीस में आता है कि जब एक इंसान जन्नत में जाएगा और वहाँ देखेगा कि मेरे वो दोस्त जो मेरे साथ उठते बैठते थे, नमाज़ें पढ़ते थे, रोज़े रखते थे, कुरान की तिलावत करते थे, आज वो जन्नत में नज़र नहीं आ रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हुज्जत करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से सिफारिश करेंगे कि अल्लाह मेरे ये दोस्त थे, बड़े नेक थे, न जाने किस गलती की वजह से जहन्नम में चले गए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी सिफारिश को कबूल करेगा और ऐसे लोगों को जहन्नम से आज़ाद कर देगा। इसीलिए सलफ सालहीन ये कहा करते थे कि जब जन्नत में मेरी मुलाकात ना हो सके, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरी सिफारिश करना कि अल्लाह फला बंदा था, लोगों को दीन सिखलाता था, बड़ा अच्छा था, ना जाने किस वजह से जहन्नम में चला गया है, ए अल्लाह हमारी सिफारिश को कबूल कर ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उनकी सिफारिश को कबूल किया जाएगा और उन्हें जन्नत में दाखिला दिया जाएगा। तो नेक लोगों के कितने, नेक दोस्ती के कितने फ़ायदे हैं। इसी तरीके से नेक दोस्ती का एक फ़ायदा ये है, हमेशा नेक दोस्त हमदर्दी का मुजाहिरा करते हैं। दुनिया में आपको कोई नहीं है हमदर्दी का मुजाहिरा करने वाले नहीं हैं, आप पर गमों के पहाड़ टूट गए हैं, अगर नेक दोस्त हैं, सच्चे दोस्त हैं, मुखलिस दोस्त हैं, देने के लिए कुछ नहीं है लेकिन आपके पास आते हैं, दुआएं देते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से हुस्न ज़न का सबक सिखलाते हैं और आपको ढारस बनाने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत बड़ा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कादिर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुदरत रखता है, ये मुसीबत ये आपकी दूर हो जाएगी। इसलिए कि जब कोई ना हो और कंधे पर हाथ रखने वाला मिल जाए, आपके पास आकर के गमों को दूर करने के लिए कोई दो लफ्ज़ बोलने वाला मिल जाए, कितने गम हैं जो यूं ही ख़त्म हो जाते हैं जब नेक दोस्त दुनिया में रहते हैं। इसी तरीके से एक फ़ायदा यह है कि नेक दोस्त हमेशा गायबाना दुआओं में याद रखते हैं। आप दुनिया में ज़िंदा हैं, आप न जाने कहाँ रहते हैं, लेकिन जब भी वो हाथ उठाता है तो अपने भाइयों के लिए, नेक दोस्तों के लिए, अपने दोस्त और अहबाब के लिए दुनिया और आखिरत की भलाई का सवाल करता है। और जब दोस्त का इंतकाल हो जाता है जनाजे की नमाज में और उसके अलावा जब भी वो अपने लिए हाथ उठाता है तो अपने दोस्तों को कभी नहीं भूलता है, बल्कि हमेशा अपने दोस्त की मगफिरत के लिए, दर्जात की बुलंदी के लिए हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करता रहता है। तो नेक दोस्ती का फ़ायदा यह है कि दुनिया में भी वो दुआ करता है, दुनिया से जाने के बाद, मौत के बाद भी नेक दोस्त जब तक जिंदा है वो दुआओं में याद रखता रहता है। इसी तरीके से नेक लोगों की सोहबत का एक फ़ायदा यह है कि उनके तवस्सुल से बड़े बड़े उलमाए किराम, बड़े बड़े सालहीन से मुलाकात हो जाती है, सलफ सालहीन इसीलिए जब दोस्ती रखते थे तो उनके वसीले से, उनके तवस्सुल से बड़े बड़े उलमाए किराम की सोहबत में बैठने का मौका नसीब मिल जाता था, बड़े बड़े उलमाए किराम के साथ रहना, उनकी सोहबत में रहना, उनकी मजलिसों में रहने का मौका नसीब हो जाता था। नेक लोगों की सोहबत का एक फ़ायदा यह है कि उनकी सोहबत से हमेशा आखिरत की याद ताज़ा हो जाती है। हसन बसरी रहमतुल्लाह, उनकी मजलिस से जब उनके दोस्त जाते थे तो कहते थे अल्लाह की कसम दुनिया की हैसियत क्या है, हम भूल चुके हैं कि दुनिया क्या है। हसन बसरी रहमतुल्लाह के साथ जब रहते थे, उनकी मजलिसों में शरीक रहते थे तो हमेशा आखिरत की याद ताज़ा हो जाते थे। इसके अलावा नेक सोहबत के बड़े फ़ायदे हैं। ज़रूरत है मुसलमानों, अपनी सोहबत का जायज़ा लें, अपने दोस्तों का जायज़ा लें, खुद भी नेक बने, नेक दोस्ती का किरदार अदा करें और आसपास में जो आपके दोस्त हैं जांच पड़ताल कर लें कि हमारे दोस्त नेक है या नहीं, सच्चे है या नहीं, ईमानदार है या नहीं, वफादार है या नहीं, खैरख्वाह है या नहीं। इसलिए कि नेक दोस्त अगर नहीं मिल रहे हैं तो इंसान के लिए बड़ी मुसीबत है, वबाले जान इंसान के लिए हो जाता है। अगले खुतबे में इंशाअल्लाह बुरी सोहबत के नताइज क्या हैं,
और बुरी सोहबत बुरे दोस्तों का क्या किरदार होता है, किस तरीके से दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर देते हैं, उनके ख़तरनाक नताइज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िंदगी और तौफीक दी तो इंशाअल्लाह अगले खुतबे में वो बातें बयान की जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको नेक दोस्ती का बेहतरीन किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين। अगर हम खुद नेक बनना चाहते हैं, हमें तड़प है, हमारे अंदर जज्बा है कि मैं नेक बन जाऊँ, नमाजी बन जाऊँ, अच्छा इंसान बन जाऊँ, तो उसके लिए बेहतरीन नसीहत ये है नेक लोगों की सोहबत में रहना शुरू कर दे, नेक लोगों के साथ उठना और बैठना शुरू कर दे, इंशाअल्लाह वो फ़र्क देखेगा, उसके असरात मुरतब होंगे और एक दिन वो भी नेक बनता हुआ नज़र आएगा। इसी तरीके से एक आखिरी बात याद रखें, इसलिए कि हमारे दरमियान ये चीज़ें राइज हैं, ये चीज़ें पाई जाती हैं कि हम जब किसी को दोस्त बनाते हैं उसके एक खामी की वजह से, उसके एक ऐब की वजह से हम उससे नफ़रत करने लग जाते हैं। हम ये समझते हैं कि जिसको दोस्त रखें वो बिल्कुल बेऐब होना चाहिए, उसके पास कोई ऐब ना हो। ये नामुमकिन है कि दुनिया में बेऐब इंसान बन जाए, पहले ख़ुद हम बेऐब बने, पहले ख़ुद हम साफ़ सुथरे बने, फिर दुनिया में देखें कि कोई बेऐब है। जो बेऐब दोस्त तलाश करता है वो खाली हाथ रह जाता है, उसके पास कोई दोस्त नहीं आता। इसलिए अगर सच्चे दोस्त हैं, मुखलिस दोस्त हैं, उनकी कदर करना सीखो। सच्चे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, अगर उनके दरमियान कोई खामी है, कोई ऐब है, तो एक ऐब की वजह से उनसे नफरत ना करें। इसलिए कि मियाँ बीवी के रिश्ते में या मोमिन के रिश्ते में एक बात ये बतलाई गई है कि अगर एक बात तुम्हें बुरी लग जाती है तो दूसरी खूबियाँ भी हैं, उनकी खूबियों को मद्देनज़र रखो, इंशाल्लाह ज़िंदगी बेहतर होगी, ज़िंदगी खुशगवार होगी। इसलिए कि आज ये चीज़ें पाई जाती है एक ऐब की वजह से, एक कमी की वजह से हम एक अच्छे दोस्त से नफरत करने लग जाते हैं या हाथ धो बैठते हैं। नतीजा ये होता है कि दुनिया में टेंशन में रहते हैं, परेशानियों में रहते हैं, हमें नेक दोस्त मिलते नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन दोस्ती के ताल्लुक से हमारे यहाँ जो कमियाँ हैं, जो खामियाँ हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन कमियों को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह हम सबको सच्चे दोस्तों की सोहबत नसीब फरमा। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر।